नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी या भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और उनके पांचवें अवतार वामन ऋषि की पूजा की जाती है। आइए जानें अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नाम एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को जंगल में पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा उसी पेड़ में प्रेतात्मा के रूप में रहने लगा। एक दिन अचानक धौम्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत के इस रूप को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण भी जान लिया। ऋषि के प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे इस गति से छुड़ाने के लिए व्रत का पुण्य प्रेत को अर्पित किया, जिससे उस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई।